भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज जापान के बिजनेस लीडर से उनकी मुलाकात होनी है। कल क्वाड सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और जो बाइडेन से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की सबने देखी आज जो उन्होंने की है गर्मजोशी के साथ। दोनों ने एक दूसरे का स्वागत भी किया, एक दूसरे को कैसे ग्रीट किया वो हमने आपको दिखाया था। और जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं जापान तो उनके स्वागत में भारतीय समुदाय कैसे जोश से भरा हुआ था ये इसकी बानगिन तस्वीरों में आप देखिए। फिलहाल तो ये बड़ी खबर है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा और जापान से इस बार वो क्या संदेश देते हैं। स्क्वाड सम्मेलन का हिस्सा बनने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आपको ये भी बता दें कि जापान के बिजनेस लीडर से उनकी मुलाकात है। ये दो दिन का दौरा है जापान का, इसमें 23 बैठकें होंगी और ये बहुत महत्वपूर्ण होंगी व्यापार के लिहाज से भी, आपसी रिश्तों के सामरिक रिश्तों के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है बैठक। जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होना, ऐसे समय में ये क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जब यूक्रेन और रूस के बीच में जंग छिड़ी हुई है, हर देश अपना स्टैंड इस पर ले रहा है। और क्योंकि भारत पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी होती है कि भारत का जो स्टैंड है इस युद्ध को लेकर भी और बाकी देशों के प्रति, मित्र देशों के प्रति, वो कैसा रहा है ये भी तय होता है। लेकिन ये चार बड़ी ताकतें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन को खटक रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए इस वक्त बिजनेस लीडर से जो मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई थी और अब उनका थोड़ी देर में संबोधन शुरू होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रही है ये मुलाकात के जो मायने हैं, पूरा भारतीय डेलीगेशन इसमें प्रधानमंत्री के साथ मौजूद था। और कैसे व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाना है, आने वाली रणनीति क्या होगी, इस पर इसमें चर्चा हुई है। इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण बिंदु यही रहा। और जब भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया था, ये उस वक्त की तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लॉन्च में भी पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इसके लिए सबके साथ, सबके सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था, इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के तीन मुख्य आधार होने चाहिए, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत भी हुआ था, उसी की तस्वीरें आप देखिए। पीएम ने जापान के बड़े बिजनेस लीडर से मुलाकात की, वो भी एक तस्वीर में आप देख पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि इसमें, इस दौरान सुजुकी और यूनिक्लो, सॉफ्टबैंक जैसी कंपनियों के सीईओ शामिल थे और कल पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए हमने आपको बताया जिन बिजनेसमैन के साथ मीटिंग पीएम ने की है ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे हर तरफ जापान में नमो नमो हो रहा था। यानी जो भारतीय समुदाय के लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, जैसे ही प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, उनकी एंट्री होती है, उनके नाम के साथ जोर जोर से नारे लगाने शुरू हो जाते हैं और कोई पोस्टर बनाकर लेकर आया है, भारतीय झंडे सबके हाथ में थे, जो भारतीय समुदाय के लोग थे, बच्चे वहां पर थे जिन्होंने पीएम को विश किया। पीएम ने टोक्यो में एक जापानी बच्चे से भी मुलाकात की और उसे ऑटोग्राफ भी दिया। कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? बहुत अच्छा जानते हो। वाह,
और जापानी में क्या लिखा है? ये तीन भाषा लिख दी। और ये वही जगह है जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग यहां पर आप तस्वीरों में देखिए पहले से ही हैं। सर पर इस वक्त जो पगड़ी बांधे लोग बैठे हैं उससे आप समझ पाएंगे कि कितना उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में है। जापान की धरती पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं भारतीय समुदाय के लोगों को, लेकिन वहां पर जमावड़ा पहले से ही लग चुका है, यानी एंट्री हो चुकी है, लोग पहुंच चुके हैं। भारतीय समुदाय इंतजार कर रहा है अपने देश के प्रधानमंत्री का, जब वो आज यहां पर बड़ा संदेश देंगे। हालांकि क्वाड सम्मेलन को लेकर पहले से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ऐसे दौर में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ही जगह पर ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, भारत का और इसी के साथ जापान के प्रधानमंत्रियों का आपस में मिलना, यानी चार महाशक्ति जब मिलती हैं तो सीधा संदेश ये चीन को है, और इसलिए उसकी बौखलाहट भी समझ में आती है। वो अपने तरीके से इस पूरे सम्मेलन को देख रहा है, अपने तरीके से बयानबाजी कर रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देखेंगे ये जोश से भर देंगी। लबरेज लोग हैं वहां पर भारतीय समुदाय के, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेचैन है, उनकी एक झलक के लिए बेचैन है। और आप देखिए कैसे जोर जोर से नारे लग रहे हैं। इससे पहले की तस्वीर में हमने आपको दिखाया था जब प्रधानमंत्री जापान पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर चाहे वो जापानी बच्चा हो जो हिंदी बोलता हुआ प्रधानमंत्री को ऑटोग्राफ मांगता है और बताता है कि वो कक्षा 6 में पढ़ता है, प्रधानमंत्री बहुत खुश होते हैं और उसे अपना ऑटोग्राफ देते हैं। लेकिन भारतीय समुदाय के लोग जो वहां पर पहले से मौजूद थे वो जोर जोर से नमो नमो के नारे लगाते हैं, हाथों में झंडा लिए, जब अपने देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरी धरती पर आए और वहां के लोग जब उनका स्वागत करते हैं तो शायद ये भाव अलग होता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण वो मीटिंग थी जिसमें कई बड़े कंपनियों के सीईओ मौजूद थे जो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अटेंड की है, यानी भारतीय डेलीगेशन उनके साथ था। और इसमें सामरिक रिश्तों को लेकर, व्यापारिक रिश्तों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई। जो बाइडेन से मुलाकात कई मायनों में बहुत खास है, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, ऐसे में सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होना, ये कई तरह का संदेश है। इसको सिर्फ ऐसे मत समझिए कि इन दो देशों के बीच के युद्ध को लेकर, सबसे बड़ा संदेश चीन को लेकर है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति पर अभी जो बाइडेन ने भी साफ कहा कि अगर चीन बाज नहीं आएगा तो हम अपने तरीके से चीन को जवाब देंगे। तो फिर आप इसके मायने समझिए कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवेंट में शामिल हुए। जो बाइडेन के साथ साथ पीएम मोदी ने भी इस इवेंट को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस इवेंट में जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। तो फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि अभी उत्साह और इंतजार कितना बढ़ गया है। सब लोग समय पर पहुंच चुके हैं, इंतजार है प्रधानमंत्री का। वो जैसे ही पहुंचेंगे, अब से थोड़ी देर में, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।